नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी हैं, और अगर आपके पास समय बहुत कम है पढ़ने का या फिर आपके एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम बहुत नियर खड़ा हुआ है, आपके काफ़ी नज़दीक आकर खड़ा हुआ है, जैसे कि आप FTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कुछ दिनों के बाद होने वाला है, या फिर आपकी तैयारी चल रही है CGL की, जिसमें अभी समय बहुत अधिक है, आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, क्योंकि CGL है, ये मेहनत मांगता है। एग्ज़ाम कोई भी हो मेहनत मांगता है, लेकिन किसी में ज़्यादा मेहनत होती है, किसी में कम। तो आज मैं आपके सामने अगेन एक बार लेके आया हूँ वन लाइनर GK, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर इस तरह के तमाम कई सारे वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देखिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। आपके सामने एक छोटी सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन छोटी है लेकिन इसमें गहराई बहुत अधिक है। जिसे हार जाने का डर होता है उसकी हार निश्चित होती है, ये कहा है हमारे नेपोलियन बोनापार्ट ने। सबसे पहले आप अपने माइंड से डर निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम की तैयारी इतनी कम समय में कैसे होगी, एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम ये फिल करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे पास तो किताब भी नहीं है, कैसे पढ़ूं। दुनिया भर के सवाल आपके मन में इसलिए उठ रहे होंगे, लेकिन उनसे डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, ना तो डरना है ना ही हारना है, ना डरना है ना हारना है, ठीक है। कुछ ना कर कर पछताने से ज़्यादा अच्छा है कुछ कर कर पछताना। थिंक अबाउट इट प्यारे बच्चों, इसके बारे में विचार करिएगा। मेरी इस बात पर बड़े ध्यान से इत्मीनान से विचार करना कि मैंने क्या कहा, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट की यह लाइन में कितनी गहराई छुपी हुई है। क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं इस समय, आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर कभी कभी नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे माइंड में आ जाती है, किसी ने कुछ बोला और वो चीज़ हमारे माइंड में घर कर गई। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको मोटिवेशनल लेक्चर देखने चाहिए यूट्यूब पर, या फिर कोई मोटिवेशनल बुक, जैसे कि आप सब ने, काफ़ी बच्चों ने बुक पढ़ी होगी शिव खेड़ा की, यू कैन विन, हिंदी में है जीत आपकी, या फिर कई लोग जानते होंगे संदीप महेश्वरी को, क्योंकि इस एज में एक्चुअली इस टाइप के लेक्चर भी आपको सुनने पड़ेंगे। क्योंकि लाइफ का बैलेंस केवल थ्योरी पढ़ते रहने से, SSC के GK के क्वेश्चन पढ़ते रहने से, मैथ सॉल्व करने से बात नहीं बनती, हर तरफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल चलिए बात बहुत अधिक हुई, अब शुरू करता हूँ मैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश मौर्य है। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से क्या होता है, अधिक होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, दो क्वेश्चन हमने रीड करे यहाँ पर, ठीक है। एक आपको मैंने आइडियम्स बताया था, एक आइडियम्स आपको बताया था मैंने बिटवीन द लाइंस लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि बिटवीन द लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा फिलहाल अब दोबारा, क्योंकि उसमें अधिक समय लग जाएगा। देखिए बच्चों, इन शॉर्ट चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जो भी आप लाइन पढ़ते हैं वन लाइनर GK में, तो आप माइंड में कुछ इस तरह से क्वेश्चन बना के चलिए कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब आप माइंड में एक बार रिवाइज करिए इसका। वो पूछेगा एग्जाम में कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, चार ऑप्शन देगा, बट आपको राइट आंसर लगाना है मौर्य। अगला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब, प्रतिकूल कब होगा हमारा व्यापार संतुलन, जब क्या होगा, आयात मतलब इम्पोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से क्या होगा, अधिक होगा।
असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। इसको केसर ए हिंद बोलते हैं, ठीक है, ये उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि वापस करी थी, लौटाई थी? तो आपको राइट आंसर याद रखना है असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, ली कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था। भगत सिंह मूवी अगर आपने नहीं देखी है, जिसमें अजय देवगन ने एक्टिंग करी है, उसके हीरो कौन थे? अजय देवगन। तो वो मूवी काफ़ी अच्छी है। उसमें दो लोग खड़े थे, एक तो थे भगत सिंह और दूसरे थे कौन? बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों ने क्या करा था? केंद्रीय विधानसभा जो असेंबली हो रही थी उसमें बम फेंका था। ये कब फेंका था? ये डेट क्या थी? ये थी 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। किसके शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? उस समय वायसराय कौन था? उसका नाम था लॉर्ड इरविन। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। पवन के निक्षेपण से बालू का स्तूप और लोइस बनते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ये कहते हैं संघाई को। अगला क्वेश्चन है, हिमालय कितनी श्रेणियों में विभाजित है? हिमालय जो डिवाइड है वो है 3 समानांतर श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन, चीड़ हरित वन में 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। संथाल द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। मानचित्रों में नदी को नीला रंग से दिखाया जाता है। डोलेराइट एक आग्नेय चट्टान है। भूपटल की मोटाई 2 से 3 किलोमीटर होती है। एशिया स्वेज नहर द्वारा अफ्रीका से अलग होती है। मतलब एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर डिवाइड करती है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, प्रधान मध्याय रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है? सेमांग। पश्चिमी घाट पर्वत का ही दूसरा नाम क्या कहलाता है? सहाद्री। झूलती घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। देश का सर्वप्रथम 1854 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना करी गई। सूती वस्त्र की स्थापना जो मिल लगी थी पहली देश में, वो कब लगी थी? 1854 में। एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। डच हॉलैंड के निवासी थे। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में स्थित है। भारतीय मसालों में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन थी? इंदिरा गांधी। फिल्म एक दिन 24 घंटे की नायिका कौन थी? नंदिता दास। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दलों का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। कूका आंदोलन कहाँ पे है? पंजाब में हुआ था। दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत कितने जोन में विभाजित है? 8 पिन जोन में भारत क्या है? विभाजित है। वर्तमान में भारत में 31 उच्च न्यायालय हैं। SBI द्वारा पहला तैरता हुआ ATM कहाँ पर स्थापित करा गया था? ये करा गया था कोची में। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? उस जांच का नाम क्या था? उस कमेटी का नाम क्या था? उस कमेटी का नाम था लिब्राहम।
जल स्वराज्य परियोजना महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह केरल। फिल्म पिंजर के निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टान के रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वेडोर का कोटोपैक्सी है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1876 ईस्वी में घोषित किया गया। 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। मोस्ट 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 एमपी क्वेश्चन है, कितने समय तक अगर आप बाहर रहते हैं, भारत से बाहर, इंडिया से बाहर जाके रहते हैं और इंडिया में आप वापस आके कोई भी एक्टिविटी नहीं करते 7 साल तक, तो आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्म श्री सम्मान देने की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। संसार का सबसे पहला केंद्रित बैंक स्वीडन में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर सबसे अधिक चीन में प्रचलित है। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? इनका संबंध है शास्त्रीय संगीत से। अगला क्वेश्चन है, हाबे सर्व कर क्या था? एक सिंचाई कर था। मैट शब्द जो है जोड़ो कराटे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, टीन कायांतरित शैल में मिलता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्र है। अब जो हो गया है ये अलग हो गया है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा या अमावस्या को हमेशा आता है। चंदन के वन सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। गुजरात की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं नर्मदा नदी को। अगला क्वेश्चन है, इडुकी परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। केरल के तटीय मैदान को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट किसको कहते हैं? केरल के तटीय मैदान को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संगमरमर एक प्रकार का कायंत्रित चट्टान है। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को सेलवाज कहा जाता है। आकाश का नीला जो वर्ण होता है वायुमंडल के आयन मंडल में मिलता है। पनडुब्बी पलवन के सिद्धांत पर कार्य करती है। सूर्य के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु के परिवर्तन होते हैं, मतलब कभी गर्मी कभी ठंड कभी बरसात। जो ये ऋतु के जो परिवर्तन होते हैं वो किस रीजन से होते हैं? क्योंकि सूर्य क्या करता है? परिक्रमा करता है। सूर्य के परिक्रमण के कारण जो होते हैं पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। बारामूला दर्रा पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित है। ओजोन गैस से सड़ी मछली जैसी गंध आती है। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि सड़ी मछली जैसी गंध कौन सी गैस में से आती है, उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, मीथेन, इथेन, आपको इस टाइप के कुछ गैस का नाम देगा, बट आपको याद रखना है ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन था? रूस। तारों का जीवन काल द्रव्यमान व चमक पर निर्भर करता है। तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है। कुछ तारे होते हैं काफी ब्राइट होते हैं, चमकदार होते हैं, और कुछ तारे काफी फीके से होते हैं, धुंधले से होते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि तारे का टेम्परेचर क्या है। कालाजार सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा फैलता है। कालाजार कौन सी मक्खी के द्वारा फैलता है? सैंड फ्लाई। जल के शोधन हेतु क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करा जाता है। जल का जब प्यूरिफाई करा जाता है, उसका शोधन करा जाता है, उस टाइम पे कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? एग्जाम में आप किसी इस तरह से पूछेगा, आपको याद रखना है क्लोरीन गैस। विटामिन बी12 जंतुओं में अपने आप बनता है।
डीपीटी का टीका डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में प्रथम बार 17 नवंबर 1921 को आए थे। अमृतसर नगर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी। अमृतसर किसने बनाया था, किसने बसाया था, अमृतसर की स्थापना किसने करी थी, उन गुरु का नाम क्या था, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बट आपको राइट आंसर याद रखना है, गुरु रामदास। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, आर सी दत्त थे। अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किससे है, चंपारण आंदोलन से। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, वैलेंटाइन सिरोन। चौसा का युद्ध कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था। चौसा का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र कौन सी सूची में आता है, यह आता है समवर्ती सूची में। यमन की राजधानी साना है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि यमन की राजधानी कौन सी है, चार ऑप्शन देगा, आपको राइट आंसर लगाना है साना। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, और जो भी फ्रेंड आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सारे प्लेलिस्ट को ढंग से वॉच करिए, उसके बाद में आप डिसाइड करिए। अगर ये चैनल आपके लिए यूजफुल है तो इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।